आज लाया हूँ मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो। इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ आज लाठी कैसे चलानी है, सामने वाले के ऊपर लाठी से कैसे वार करना है। लाठी चलाने के कई तरीके होते हैं, अलग अलग सबके अपने ट्रिक्स होती है। तो आज मैं आपको मेन जो सबसे बेसिक तरीका होता है वो बताने जा रहा हूँ सामने वाले पर कैसे इसके करना। तो उसके आपको सारे बेसिक स्टांस सब कुछ बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जरूर पूरा एंड तक देखें। मैं हूँ अनिकेत पनवार और आप देख रहे हैं मार्शल योगी चैनल। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कि स्टांस क्या होगा, हमारा सबसे बेसिक स्टांस क्या होगा। सबसे पहले आप पैरों को देख लीजिए, इतना हमारे शोल्डर से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। ये शोल्डर से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस और हल्का सा बैंड, बैंड होना जरूरी है। एक बार इधर को देख लीजिए, ये आपके पैर शोल्डर से ज्यादा डिस्टेंस थोड़ा सा और हल्का सा बैंड, ये नहीं कि पूरा स्क्वाट पोजीशन में नहीं, हल्का सा बैंड होना चाहिए आपके पैर, ठीक। अब आपकी लाठी की पोजीशन कहाँ पे रहेगी ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये आपकी बैंड हो गई पोजीशन, ये आपको यहाँ से देखे, ये आपको ना तो ज्यादा यहाँ। एक और बात सबसे जरूरी बात है ये आपके लिए, आपकी लाठी कितनी बड़ी होनी चाहिए, ये नहीं कि इतनी बड़ी हो गई कि एक आपके हाथ जितनी लंबी है या फिर इतनी बड़ी नहीं होगी कि आपसे भी लंबी लाठी। तो इसके लिए सबसे बढ़िया मेजरमेंट आपके लिए बताने जा रहा हूँ, जो आपको हर कोई किसी मेजरमेंट टेप या किसी चीज की आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल क्या करना है, आपको एक लाठी लेनी, सीधे खड़े होना, लाठी को अपने साइड में रखना और ये देखिए लाठी आपके एकदम कान के नीचे तक आनी चाहिए। इससे कान के बीच तक भी आ सकती है पर कान से कभी भी वो पार होगी तो वो लाठी लंबी है आपके लिए, ठीक। हमेशा लाठी जो रहेगी आपकी कान के नीचे वाले पार्ट से लेके मिड पार्ट तक इतनी लंबी चल जाएगी, अगर कान से ऊपर निकल गई थोड़ी सी भी तो आपके लिए लंबी है। ये आपकी लाठी के मेजरमेंट हो सकते हैं, इसमें आपकी हाइट पे डिपेंड करता है। आपके लिए ये कहते हैं ना कि इतनी हाइट के लिए कितनी बड़ी लाठी लूँ, या फिर मेरी हाइट 6 फुट है तो मुझे कितनी लेनी चाहिए, या फिर 1.5 फुट है तो वो क्या मुझे कितनी बड़ी लंबी लाठी लेनी है। तो इसके लिए सबसे सिंपल मेजरमेंट है कि लाठी को साइड में रखना और जितना एक कान का नीचे वाला पार्ट है यहाँ तक आनी चाहिए मेन, ये परफेक्ट रहेगी। और अगर मिड तक भी जाती है तो भी वो सही है आपके लिए। तो ये आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपकी लाठी का साइज हो जाएगा। तो ये आपकी होगी लाठी को अपने आपको कैसे नापना है। तो आप देखिए कैसे, अब आपको अगर सबसे बेसिक वो बताने जा रहा हूँ इसमें वार आपको, तो ये आपको बीच से नहीं पकड़नी, एकदम स्टार्टिंग से करीब करीब अपने हाथ से नाप के एक हाथ से, कहते हैं ना एक अंगल कहते हैं जिसे हिंदी में, तो ये एक इतना अपनी जो आपकी सबसे छोटी वाली फिंगर है और थंब से लेके ऊपर तक इतना डिस्टेंस छोड़ के आपका पहला हाथ रखना है आपको अपना, उसके ऊपर दूसरा हाथ, ठीक। इतना डिस्टेंस आपको नीचे छोड़ना है अपनी लाठी में, ये जरूरी है, ठीक। तो उसके बाद आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ पहले सबसे बेसिक वार कैसे करना है, इसे हम करते हुए आगे के लिए जाएंगे, ठीक। पहले वही शोल्डर जितना डिस्टेंस, हाथों की पोजिशन एक उससे ऊपर, दोनों हाथ ऊपर के, जो आपकी पोजीशन होगी आज पहले आप पोजीशन देख लीजिए, आपकी पोजीशन क्या होगी, पैर बैंड और ये इधर, ये आपकी लाठी की पोजीशन होगी। इसमें आपको देखिए क्या होगा, ये बैंड हो गए ये पीछे, तो ये आपकी जो एल्बो है आपको सेव भी कर रही है। आपको अपनी कहते ना डिफेंस भी बहुत जरूरी है, मेन पार्ट अगर लड़ाई में आप किसी के साथ है तो आप अगर आपका डिफेंस अच्छा नहीं है तो आप ऑफेंसिव खेल के कभी भी जीत नहीं सकते। एक टाइम होता है मैं जब ऑफेंसिव होना पड़ता है, पर यह भी जरूरी है कि हमारा डिफेंस भी बहुत मजबूत होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना, ये हमारी पोजीशन और ये, तो अब मेरा पूरा फेस भी कवर है और मैं रेडी हूँ अपने उसके लिए मारने के लिए, तैयार भी हूँ और मेरा गार्ड भी है साथ के साथ, ठीक है। तो उसके बाद यहां से इधर से चलेंगे, ये क्या होगा आपको जब भी जिधर भी आप जैसे मेरा अपोनेंट सामने, तो मुझे कभी भी अपनी पूरी की पूरी बॉडी उसके सामने नहीं रखनी, ठीक है। उससे साइड में ये पोजीशन होगी आपकी प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पे चिपका के, और ये ध्यान रख लीजिए लाठी जो होगी आपकी ऊपर बॉडी से चिपकी रहेगी, पीछे पूरी की पूरी चिपकी हुई होनी चाहिए तभी आपके लिए फायदा है इसमें, ठीक। उसके बाद ये चिपकी हुई है ऊपर से, यहां से ये पूरा आएगा ये नीचे एक्स में, ऊपर से काटते हुए जैसे आता है ना एक्स, वैसे आएगी ऊपर से एकदम, ये यहां से एक्स। उसके साथ आपको क्या करना, लाठी पहले लाठी का देख लीजिए, लाठी कैसे आएगी, ये आई एक्स,
इसके साथ साथ आपको अपनी बॉडी को भी मोशन देना, बॉडी की मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मार्शल आर्ट में। आपके अगर बॉडी का मोशन अच्छा तो आपका उतना ही तगड़ा वार होगा सामने वाले के ऊपर, उतनी आपकी पावर ज्यादा जनरेट होगी बॉडी से। ठीक, तो ये कंट्रोल में पीछे से पोजिशन में रेडी, और यहाँ से एक्स बनाते हुए, ये पूरा यहाँ से एक्स बनाते हुए वापस अपनी पोजिशन पे, ये पीछे। अब देखिए मेरी पोजिशन भी चेंज हो गई और गार्ड भी दूसरा चेंज हो गया। अब मेरा ये वाला हाथ गार्ड कर रहा है मेरे हाथ को, तो गार्ड भी आपको पूरे हर टाइम रखना है, साथ के साथ आपको मार भी करने। फिर से एक बार देख लीजिए पोजिशन में, ऊपर से एक्स, फिर ये नीचे। अब क्या करना, अब आपको ये तो नहीं है, फिर दोबारा यहाँ पे घूमे उसके बाद स्टार्ट करोगे, फिर से वहीं से स्टार्ट करते जाना। आपको सामने है ये एक आपकी ड्रिल हो जाएगी, पहली बेसिक ड्रिल है, सबसे बेसिक ड्रिल आपकी यही होगी। इसमें आपको यहीं से स्टार्ट करना है, चिपका के ये फिर से वापस वही पोजीशन में। अब यहां से फिर दोबारा एक्स, ये ठीक, मतलब आपको एक्स बनाते जाना आगे तक, यही आपकी सबसे अच्छी ड्रिल होगी, इसी को आपको प्रैक्टिस करते रहना। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ सारी चीज, ये आया एक्स, एक्स, एक्स। एक बार आप, मैं आपको जल्दी करके दिखा देता हूँ, यहां से स्टार्ट किया, तो आप स्पीड आपकी उतनी ही पावर जितनी आप जनरेट करेंगे पीछे से, पावर जितना घूम के आएगा उतनी ही पावर आपकी बढ़ी आएगी। इसके लिए आपको एकदम ये ध्यान रखना है। एक बार आपको पैरों के स्टांस और बता देता हूँ, जो घूमते वक्त है यहां से जो है एक बार लाठी हटा दीजिए। इसमें क्या करना है, जैसे यहां से खड़े हम, ठीक, लाठी अलग है, इसमें लाठी के नहीं, अभी पैरों के स्टांस देख लीजिए, यहां है हमारे ये, ठीक। एक बार फिर देख लीजिए, यहां से आप करना ये, मतलब जो ये चीज है, ये हिप्स को मूवमेंट देना आपको, ठीक, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने बाद में बहुत ज्यादा पावर लानी है तो ये आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसका मोशन को जरूर करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी बेसिक ड्रिल है, इसको जरूर प्रैक्टिस कर दिए, और भी आगे आने वाली है आपके लिए लाठी से चलाने की बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।